हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ओक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ए ग्लूकोमा तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए एज वेल एज़ वो कंडीशन को मैनेज करने के लिए हम कौन से मेडिकेशन यूज़ करते हैं और उसमें भी स्पेशली जो आई ड्रॉप्स के थ्रू जो उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कौन से ड्रॉप्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो हम सीखेंगे तो ग्लूकोमा की जो कहते हैं हम हिंदी में काला मोतिया तो उसी के बारे में हम आज ये डिटेल में स्टडी करते हैं आगे कि किस तरह से ड्रॉप्स से उसको हम मैनेज करते हैं उसकी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं तो ये हमारा पार्ट टू लेक्चर है ऑन ग्लूकोमा तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिटेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑक्स थैंक यू फॉर बींग वन लेख फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल ऑल्सो यूज़ करिए आप फार्मारॉक्स कि जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर एक्सेस करने को मिलेंगे फॉर वेरियस फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेसन तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एपल आईफन ऐप ऑन ऐप स्टोर तो सबसे पहले तो काला मोतिया क्या है या फिर जो ग्लूकोमा की जो हम कंडीशन कहते हैं तो ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस दस डैमेज द ऑप्टिक नर्व ऑफ आईस कि जो आँखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होती है कि जिसके कारण हमें विजन मिलता है तो ऑप्टिक नर्व इज नेसेसरी फॉर विजन और यही ऑप्टिक नर्व जब डैमेज होती है अलग अलग कारणों से तो उसके कारण किसी भी इंसान के विजन के ऊपर असर पड़ता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आइज है आइज का ये डायग्राम देख रहे हो और वहाँ पे जो बिल्डअप होता है एक्वियस ह्यूमर की जिसको हम कहते हैं फ्लूड की जो आंखों के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वो अब समझे कि ये वाटर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है अमाउंट एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वाटर जब एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो ये आंखों के अंदर जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज करवाएगा तो जैसे मैं समझाता वैसे समझिए कि जो फ्लूइड है यहां पे वो समझो कि इंक्रीज होता जाता है उसकी अमाउंट तो अमाउंट जब उसकी इंक्रीज होती है कि बिल्डअप ऑफ एक्वियस स्विमर फ्लूइड जो बनता है वो इंक्रीज होता जाता है तो इसके कारण वो जो है वो प्रेशर बिल्डअप करता है हमारी आँखों के अंदर तो ये जो फ्लूड है वो प्रेशर डेवलप करता है और इसी प्रेशर के कारण आपकी ये जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होती है कि ये देखिए कि प्रेशर जो है वो फ्लूड के कारण अप्लाई हो रहा है ऑन द ऑप्टिक नर्व और यहां पे ये लोकेशन पे रही ऑप्टिक नर्व फिर क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है और ये डैमेज होने के कारण कि जो रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जब ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज होती है तो अफेक्ट होती है डायरेक्टली विजन के ऊपर कि आंखों की जो दृष्टि होती है उसके ऊपर फर्क पड़ता है और ये फ्लूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर बिल्ट अप होता है और वो प्रेशर डैमेज कर देता है ऑप्टिक नर्व तो ये है उसका मेन कॉन्सेप्ट तो ये प्रेशर को हम कहते हैं आई ओ पी कि जिसको कहा जाता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर तो जब प्रेशर इंक्रीज होता जाता है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और ऑप्टिक नर्व डैमेज के कारण दैट कैन कोज द ब्लाइंडनेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व ब्लाइंडनेस भी हो सकती है तो दिखना धीरे धीरे कम होता है और फिर कंप्लीटली देखना बंद हो जाता है विजन पहले टेम्पररी लॉस होती है और फिर परमानेंट लॉस हो जाती है अगर ग्लूकोमा को आप मैनेज ना करवाओ उसके ट्रीटमेंट ना करवाओ तो कोशिश जो मैंने अभी आपको समझा है सेम लाइक दैट कि एक तो फैमिली हिस्ट्री है एज वेल एज जो एलिवेटेड आई प्रेशर की आंखों का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना कि जो ये फ्लूड है वो फ्लूड इंक्रीज होता जाता है तो दो तरीके से कि एक उसका जो है बाहर निकलना कम हो जाता है और दूसरा इंक्रीज होता है उसका प्रोडक्शन इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एज वेल एज डिक्रीज इन रिलीज कि फ्लूड जो है वो रिलीज होता जाए व्यवहार से बाहर आँखों के बाहर और क्योंकि अंदर तो फ्लूड प्रोड्यूस होता ही रहता है बट समझो कि पानी जो बाहर नहीं निकलता तो फिर अंदर ही वो एक्यूमलेट होता जाएगा जमा होता जाएगा और जैसे कोई गुब्बारे की हालत होती है वैसे ही जितना यहाँ पे समझो कि एक्वेस्ट फ्लूड बढ़ता जाएगा तो वो आपकी आँखों के अंदर की ओर जो है वो प्रेशर डेवलप करेगा और ये प्रेशर के कारण ये ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है तो ये है उसका कोजिस तो आपको ये भी मैंने समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि जिन स्टूडेंट ने पार्ट वन नहीं देखा वो जरूर से डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप पार्ट वन सबसे पहले देखिए कि जिसमें डिटेल में सभी रीजन समझाए हैं किस तरह से डायग्नोसिस होता है वो भी समझाए हैं आपको और कौन से उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं तो नॉर्मल इंट्रा प्रेशर 12 से लेकर 22 टू एम होता है और जब ये प्रेशर 22 से ज़्यादा होता है तो उसको कंसिडर किया जाता है ऑक्यूलर हाइपर तो जो पर्सनस को ऑक्युलर हाइपर होते हैं उनको आगे जाके रिस्क रहता है ग्लूकोमा का तो ये थे उसके सिम्टम तो टनल विज़न जैसा लगता है पैचे ब्लाइंड स्पॉट इन द आई सिवियर हैडे आई पेन नोजिया वॉमिटिंग ब्लर विजन हेलो अराउंड लाइट एंड आई रेडनेस तो ये सब हमने पार्ट वन में सीखा था डायग्नोसिस का भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से डायग्नोसिस होता है कि विजुअल फील्ड टेस्ट होता है पैची होती है गोनियोस्कोपी टोनोमेट्री टेस्टिंग फॉर ऑप्टिक नर्व डैमेज तो ये सब हमने डिटेल में पार्ट वन में सीखा था तो अब जो है मेन शुरुआत कि, कि कैन ग्लूकोमा भी क्योर क्या हम ग्लूकोमा को क्योर कर सकते हैं तो यही सवाल है कि ट्रीटमेंट के अंदर कि इन जनरल ग्लूकोमा कैन नॉट बी क्योर ग्लूकोमा को हम क्योर नहीं कर सकते बट इट कैन बी कंट्रोल इट कैन बी कंट्रोल कि जैसे हम किसी पर्सन को डायबिटीज होता है तो जैसे उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करवाते हैं हाइपर है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाते हैं सेम लाइक दैट ग्लूकोमा में जो नर्व डैमेज होती है तो नर्व डैमेज के कारण जो विजन ऊपर अफेक्ट होता है वो जो है वो परमानेंट रहता है जस्ट वो कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं कि आपकी नर्व जो डैमेज हुई है ऑप्टिक न्यूरॉन वो ज़्यादा डैमेज ना हो उसके लिए आप उसको उसकी केयर करना स्टार्ट करवा दोगे मेडिकेशंस को यूज करके और उसकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब ना हो उसके लिए हम उसको मैनेज करेंगे एज वेल एज उसको करेंगे कंट्रोल क्योंकि क्या होता है यूजली कि न्यूरॉन्स जो होती है जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जो न्यूरॉन्स होती है न्यूरॉन्स कैन नॉट Regenerate. कि अगर समझे कि न्यूरॉन्स फिर से रीजेनरेट होती तो बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे वो हम क्योर कर सकते बिकॉज जैसे कि पैरालिसिस है कि कई बार न्यूरॉन्स के डैमेज होने के कारण पैरालिसिस हो जाता है तो वो कंडीशन रिवर्स नहीं होती सिर्फ उसको हम मैनेज कर सकते थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं बट जब हंड्रेड परसेंट डैमेज हो जाती है तो दे कैन नॉट रीजनरेट तो समझे कि उसका डैमेज समझे कि फोर्टी परसेंट डैमेज है सिक्सटी परसेंट जितना डैमेज है एटी परसेंट डैमेज है तब तक वो अपना काम जो है वो करती रहेगी बड़े कंडीसन यही ऐसे आएगी कि फिर नाइन्टी परसेंट उसका डैमेज होगा नाइन्टी फाइव परसेंट डैमेज हो जाएगी और फिर जैसे ही वो हंड्रेड परसेंट डैमेज हो जाएगी तो वो कर देगी कम्प्लीटली वीजन लॉस बिकॉज ऑप्टिक नर्व्स कैन नॉट रीजनरेट फिर से नई न्यूरोन्स वहाँ पे नहीं बन सकते जैसे हमारे बॉडी के अंदर दूसरे नॉर्मल सेल तैयार होते हैं वैसे न्यूरॉन्स जो है वो फिर से रीजनरेट नहीं होते कैन नॉट रीजनरेट इसी के कारण जब समझे कि डैमेज 60 परसेंट हो तो हम ट्राई करेंगे कि वो हम प्रोलोंग कर सके उसका जो डैमेज है वो प्रोलोंग कर सके मतलब कि एटी से हंड्रेड परसेंट समझो कि टू इयर्स में हो जाता हो तो हम ट्राई करेंगे कि ये टू इयर्स से इंक्रीज करवा के टेन इयर्स या फिर ट्वेंटी इयर्स तक वो कंडीशन को हम मैनेज करवाएं तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है ग्लूकोमा के अंदर उसी के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो आई ड्रॉप्स पिल्स लेजर प्रोसीजर एंड सर्जिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू प्रिवेंट और स्लो फर्दर डैमेज फ्रॉम अकरिंग तो जब भी मैंने जो समझा है आपको कि जो डैमेज है वो सिर्फ स्लो करवा सकते हैं हम स्लो फर्दर डैमेज फिर टू प्रिवेंट कि जो डैमेज को फर्दर प्रिवेंट करवाने के लिए डैमेज होने से एज वेल एज उसकी जो डैमेज होने का जो टाइम पीरियड है उसको स्लो करवाने के लिए हम अलग अलग मेडिकेशंस जैसे कि आई ड्रॉप्स पील्स एज वेल एज जो लेजर सर्जरीज होती है वो की जाती है विथ एनी टाइप ऑफ ग्लूकोमा रेगुलर आई एग्जामिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट द प्रोग्रेशन एंड टू प्रिवेंट द विजन लॉस कि रेगुलर आप समझो कि आप आई ड्रॉप्स वगैरह तो यूज करते ही है बट जरूरी रहता है कि रेगुलरली उसका डिटेक्शन करवाना रेगुलरली आपकी आँखों का एग्जामिनेशन करवाना चेकअप करवाना और जो सिंपल कहे तो रेगुलर आपको आँखों की जो है वो तपास करानी चाहिए जिसके कारण क्या होगा कि जितना आप अच्छे से उसका डायग्नोसिस करवाते हो तो डायग्नोसिस से जो प्रोग्रेशन है वो डिसीज का पता चलेगा कि वो ज़्यादा खराब तो नहीं हो रही है कंडीशन तो उसी के लिए जरूरी है इस टाइप के अलग अलग मेडिकेशंस uh, के साथ डायग्नोसिस भी प्राइम इम्पोर्टेंट है तो आई ड्रॉप्स जो यूज होते हैं दे आर प्रोस्टाग्लैंड बीटा ब्लॉकर्स आल्फाइडर्जिक एगोनिस्ट कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर रोकाइनेस, मिटो मियोटिक, कॉल एजेंट्स और ओरल मेडिकेशंस और सर्जरी एंड अदर थेरापीज भी अवेलेबल है तो उसमें सबसे पहले समझिए कि जो प्रोस्टाग्लैंड यूज होते हैं फॉर ग्लूकोमा तो उनका मेकेनिज्म समझिए तो दे वर्क बाय इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द फ्लूड इन द आई कि जिसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर एंड रिड्यूस द आई प्रेशर तो जो रीजन था समझिए कि ये मेडिकेशन के मेकेनिज्म को रीजन के साथ समझिए कि ग्लूकोमा तो ग्लूकोमा का जो रीजन था ग्लूकोमा होने का रीजन तो रीजन आपने ये देखा कि और जो फ्लूड है उसका आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता था जिसके कारण क्या होता था इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता था यह था उसका रीजन तो हमने उसके लिए जो रेमेडी जो फाइंड आउट कर ली एज ड्रॉप तो उसका जो रेमेडी है उसका जो इलाज है वो ये है कि यहाँ पे हम ड्रॉप से क्या करते कि फ्लूड का आउटफ्लो करवा देते हैं इंक्रीज यहाँ पे इस तरह से कि दे इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड्स इन द आईज एज वेल एज कि जिसको हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं एंड रिड्यूस द आई प्रेशर और जिसके कारण क्या होता है कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था रीजन के अंदर वो रिड्यूसर उसी के लिए जो ये क्लास के जो मेडिकेशन है कि जो प्रोस्टाग्लैंड तो उनका यह मैकेनिज्म है कि वो क्या करते हैं फ्लूड का आउटफ्लो इंक्रीज करवा देंगे और जिसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस होता है दूसरे वर्ड में कहे तो आंखों का जो प्रेशर है वो हो जाता है रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस होगा तो डैमेज भी क्या हो जाएगा रिड्यूस की जो आपकी आईज डैमेज होती थी एक्सेसिव प्रेशर के कारण वो अब डैमेज नहीं होगी और डैमेज रिड्यूस होगा और आपकी जो ऑप्टिक नर्व है जो ऑलरेडी चलो कि जितने परसेंटेज डैमेज हो गई है वहाँ तक ही रहेगी और आगे उसका जो डैमेज जो है वो अब प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो ये था प्रोस्टाग उसके एग्जांपल एग्जाम्पल देखते हैं हम मार्केटेड प्रिपरेशंस के साथ तो लेटानोप्रोस्ट करके है कि वो काफी फेमस आई ड्रॉप्स है लेटानोप्रोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटानोप्रोस्ट ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन की जिसकी स्ट्रेंथ रहती है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव परसेंट मतलब कि वन ट्वेंटी फाइव माइक्रोग्राम पर टू पॉइंट फाइव एम एल आर एक्स की जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं आप डायरेक्टली उसको खरीद के परचेस नहीं कर सकते प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन से ये फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है ट्रावोप्रोस्ट ऑप्थलमिक सॉल्यूशन वो भी आर एक्स है उसके बाद लेनारोप्रोस्ट ब्यूनोड और थाल्मिक सोल्यूशन जीरो पॉइंट जीरो ट्वेंटी फोर परसेंट की क्वांटिटी के अंदर टैफलोप्रोस्ट होता है बीमाटो प्रोस्ट एंड लेटानो प्रोस्टीन ब्यूनोड तो ये समझिए सभी के पीछे लगता है प्रोस्ट तो एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है अच्छे से कि कौन से

साइड इफेक्ट्स है उनके कि माइल्ड रेडनिंग होता है कि आंखों के आसपास आईज के आसपास थोड़ा आपको रेडनेस देखने को मिलता है वो माइल्ड रहता है फिर स्टिंगिंग ऑफ द आईज ऐसा होता है डार्कनिंग ऑफ द आइरिस कई बार आइरिस का डार्कनेस देखने को मिलता है डार्कनिंग ऑफ द पिगमेंट ऑफ द आई लेसिस और आई स्किन तो आईलिड स्किन या फिर आई का जो पिगमेंट होता है वो डार्क होता है एंड कई बार ब्लर विजन जैसा होता है आफ्टर अप्लाइंग दिस आई ड्रॉप्स तो ये उसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं फिर नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं दे वर्क बाय रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूड तो जो हमारे दो रीज़न थे एक तो आउटफ्लो रिड्यूस हो जाना और इंक्रीज होना प्रोडक्शन तो ये मेडिकेशंस क्या करती है दे वर्क बाय रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड इन द आइस एंड रिड्यूस द आई प्रेशर कि जो समझे कि आपकी आंखों के अंदर जो फ्लूड है वो एक्सेसिव प्रोड्यूस होने के कारण है और आउटफ्लो रिड्यूस होने के कारण प्रेशर इंक्रीज होता था अब समझो कि रिड्यूस कर देते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड तो फ्लूड का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा आई प्रेशर तो इसके लिए जो बीटा ब्लॉकर्स की जो सालों से यूज होता है वो है टीमोलॉल बीटाक्सोलॉल ये दोनों काफ़ी फेमस है कि बीटाक्सोलॉल ऑपथालमिक सॉल्यूशन 0.5 फाइव परसेंट आर एक्स रहेगा फिर बिटाक्सोलॉल एच सी एल पॉइंट फाइव परसेंट स्टराइल प्रोडक्ट रहती है आरएक्स ओनली और ये टीमोलॉल का आप देख सकते हैं तो वो भी आर एक्स ओनली प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स रहते हैं उनके भी साइड इफेक्ट है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है हार्ट रेट स्लो हो सकते हैं ब्लड प्रेशर लो हो सकता है इम्पोटेंसी हो सकती है एंड फटिक तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स कई बार देखने को मिलते हैं द पेसेंट वु टेक द बीटा ब्लॉकर्स लाइक टीमोलॉल एंड बेटा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा तीसरा जो ऑप्शन था कि आल्फाइड्रीनर्जी कैगोनिस्ट तो दे वर्क बाय रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड इन द आई की जिसको हम कहते हैं एक्वेस ह्यूमर एंड ऑल्सो द आउटफ्लो आउटफ्लो को कराएंगे इंक्रीज यहां पे देखिए ये मेडिकेशन क्या करेगी रिड्यूस करेगी प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड एंड आउटफ्लो को करवाएगी इंक्रीज तो उसके कारण क्या होगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा आई प्रेशर की ग्लूकोमा देखिए क्या होता था और ये समझिए ट्रीटमेंट तो ये जो फ्लूड था उसका आउटफ्लो क्या होता था रिड्यूस हो जाता था और साथ में फ्लूड का जो प्रोडक्शन था वो होता था इंक्रीज तो रिजल्टिंग क्या होता था इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता था अब ट्रीटमेंट विथ अल्फा एड्रीनर्जिक जैसे कि ब्रिमोडीडीन ये है ब्रीमोडिन के ये जो आइड्रॉप है वो देने से क्या होता है आउटफ्लो होता है इंक्रीज साथ में प्रोडक्शन करवा देता है रिड्यूस तो जिसके कारण इंट्रा प्रेशर हो जाएगा डाउन तो ये ग्लूकोमा और उसकी ट्रीटमेंट विथ दिस अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट इस तरह से ये काम करेगा तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो काफ़ी रिलीफ मिलेगी उसको और जिसके एग्जाम्पल है कि ऐपरा क्लोनीडिन है और ब्रिमोनीडिन ये दो उसके मेन फेमस आई ड्रॉप्स है कि जो यूज होते हैं ग्लूकोमा में तो ब्रीमोनीडिन पॉइंट टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम आप देख सकते हैं और ये पॉइंट फाइव परसेंट ऐप्राक्लोनीडिन के क्लोनीडिन के ये आई आईड्रॉप्स दोनों आरएक्स रहेगा ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर एक्स लिखा हुआ है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस एंड सुपरविजन के साथ ही ये यूज होते हैं उनके साइड इफेक्ट है जैसे कि इरेगुलर हार्ट रेट हो सकते हैं उसके अलावा ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है पेशेंट को फटिक फील होता है थकान फील होती है फिर रेड इची एंड स्वालन उसके साइड इफेक्ट है और ड्राई माउथ कि जो हम कहते हैं कि अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो कई बार ड्राई माउथ करते हैं तो ये उसके की ये सिप्ला का प्रोडक्ट ये सैंडोज का आप देख सकते हैं आरएक्स ओनली आई ड्रॉप्स नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स काफ़ी फेमस क्लास है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे ऑल्सो वर्क बाय द रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूड इन द आईस थर्स रिड्यूस द आई प्रेशर ये भी क्या करते हैं प्रोडक्शन रिड्यूस करवाते हैं कि जो हमारा एक्वियस ह्यूमर होता है जिसकी एग्जाम्पल है डोर्जोलामाइड है एंड ब्रिंजोलामाइड तो डोर्जोलामाइड का जो प्रिपेरेशन की जो डॉर्जोक्स है डोर्जोक्स आईड्रॉप की जो सिप्ला के प्रोडक्ट है यह भी काफ़ी फेमस आई ड्रॉप्स है डोर्जोलामाइड आई ड्रॉप्स एज पर आई पी टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कि जो करते हैं कि रिडक्शन करती है एक्वेस का प्रोडक्शन के जिसके कारण आंखों का जो प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होता और उसके अंदर डोर्जोलामाइड काफ़ी फेमस आई ड्रॉप्स है और साथ में ब्रिंजोलामाइड ब्रिंजोलामाइड एंड के कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप्स भी होते हैं एज वेल एज़ डॉर्जोलामाइड का ये प्रोडक्ट ये इंटास का देख सकते हैं हाँ, आप ये सिपला का है और ये आई ड्रॉप्स तो ब्रिंजोलामाइड और तो ये दोनों एमाइड्स की जो यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोम और उनका जो मेडिकेशन का क्लास बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए अच्छे से इसको तैयार करिए उनके साइड इफेक्ट है कि मेटालिक टेस्ट हो सकता है आपको फिर फ्रिक्वेंट uh, यूरिनेशन हो सकती है उसके बाद टिंगलिंग इन द फिंगर्स एंड सेम इन योर टॉ फिर एक और ऑप्शन है वो है आरएचओ एच की रो काइनेस इनहिबिटर तो दे ऑल्सो वर्क बाय रिड्यूस द आई प्रेशर ये क्या करते हैं आई प्रेशर को रिड्यूस करते हैं बाय सप्रेसिंग रो काइनेस एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ फ्लूड इन द आइस की आंखों के अंदर जो फ्लूड की अमाउंट इंक्रीज होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एनजाइम्स है वो एनजाइम को इनहिबिट करने वाले ये मेडिकेशन की जो रोग काइनेस जो एंजाइम है उसके कारण क्या होता है फ्लूड जो है वो इंक्रीज होता है अब समझो कि ये एंजाइम को हम इनहिबिट करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो आई प्रेशर रिड्यूस होगा और उसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है दैट इज नेटार सुरडिल नेटार सुरडिल तो नेटा सुडिल नेटा सुडिल के आप यहाँ पे ड्रॉप्स देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन इन द आइस स्टराइल आर एक्स 2.5 टू पॉइंट फाइव एम एल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं ये ड्रॉप्स की तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट है वो है कि आई रेडनेस हो सकती है आई डिसकम्फर्ट एंड डिपोजिट फॉर्मिंग ऑन द कोर्निया तो ये तीन उसके साइड इफेक्ट्स हैं फिर है आ, मायोटिक और कॉलिनर्जिक एजेंट्स जो हम कहते हैं जैसे कि पिलोकार्पिन है तो दे आर दे ऑल्सो वर्क बाय इंक्रीज द आउटफ्लो ये आउटफ्लो इंक्रीज करवाती है और आउटफ्लो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर जो है वह ज्यादा बिल्डअप नहीं होगा और उसका एक ही एग्जाम्पल है वो है पिलो कार्पिन तो पिलो कार्पिन नाइट्रेट की जो अक्थाल्मिक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है स्ट्रेंथ होती है तो उसकी टू परसेंट एज पर आई पी बी उसकी टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम प्रिपेरेशन देख सकते हैं स्टराइल प्रिपरेशन पाइलोकार की जो एफ डी सी का फेमस प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है कि जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट एज वेल एज जो आंखों के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता हो किसी के तो उसको रिड्यूस करवाने के लिए इवन जो रेटिना के जो पेशेंट्स होते हैं कि जिनके रेटिना डैमेज होती है तो उनके अंदर भी एक्सेसिव आई प्रेशर डेवलप ना हो उसके लिए भी ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट के तौर पे हेडेक हो सकता है फिर आई हो सकता है स्मॉलर पीपिल्स पॉसिबल ब्लर विजन एज वेल एज डिम विजन हो सकती है एंड नियर साइडनेस हो सकता है तो हेड एक कॉमन रहता है कई बार आंखों के अंदर पेन होता है तो आंखों के अंदर पेन ना हो उसके लिए साथ में निफोफेन जो होते हैं ड्रॉप्स वो भी कई बार देते हैं कि जिसके कारण आंखों के अंदर जो पेन है वो हम रिड्यूस करवा सके पॉसिबल ब्लर विजन होती है डिम विजन और नियर uh, साइटनेस हो सकता है तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूजिंग मायोटिक और एजेंट्स की जिसके एग्जाम्पल है फेमस दैट इज पीलोकार सो गेट अवर लेक्चर पीडीएफ ऑन अवर एफ फार्मर के फार्मर की पीडीएफ एंड पीपीटीज़ जो होती है लेक्चर की एज वेल एज रेपिड रिविजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी फार्मर ऑक्स की एप ऊपर एंड्रॉय एप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एप्पल आईफोन एप ऑन एप स्टोर तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग जॉइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑल्सोज एक्सेस द एप फार्मर ऑक्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट